आप सभी को मेरी नमस्कार। मैं नीरज सूद आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि 4 स्टेप थ्योरी के ऊपर मैं विषय लेकर आऊंगा। 4 स्टेप थ्योरी के संबंध में लेसन दिया जाएगा, तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। हमारा ट्यूशन का उदाहरण जो हम पहले भी लेते रहे हैं, 21 मई 1994 सुबह के 1:51 मुरादाबाद, कुंभ लगन की कुंडली है। तो आइए जरा 4 स्टेप थ्योरी के बारे में हम समझ लें। जैसा कि केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स दिए गए हैं। यहां पर जो 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स दिए गए हैं वो लगभग सही हैं, सिर्फ यहां पर थोड़ा सा कहीं कहीं पर एक दो पॉइंट ऐड करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, जो अब पहले भी बताया गया है, कि ग्रह जो हैं 3 प्रकार के हैं, टेनेंटेड, अनटेनेंटेड, रिन्फोर्समेंट। केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में ग्रहों के आगे आप देख सकते हैं कि कुछ ग्रहों के आगे निशान लगे हैं, कुछ ग्रहों के आगे कोई निशान नहीं लगा। तो आइए पहले इसके बारे में हम समझें। जिस ग्रह के आगे कोई निशान नहीं लगा, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मंगल, गुरु, राहु, केतु, तो इसका मतलब ये टेनेंटेड ग्रह हैं, यानी कि ये ग्रह किसी ना किसी ग्रह के नक्षत्र स्वामी बने हैं। जैसे मंगल को आप लें, मंगल बुध का नक्षत्र स्वामी बना है, शुक्र का नक्षत्र स्वामी बना है। गुरु को आप लें, गुरु जो है राहु का नक्षत्र स्वामी बना है। राहु को लें तो राहु जो है गुरु का नक्षत्र स्वामी बना है, शनि का नक्षत्र स्वामी बना है। केतु को लें, केतु मंगल का नक्षत्र स्वामी बना है। तो इस प्रकार से ये टेनेंटेड ग्रह हुए। 4 स्टेप थ्योरी में टेनेंटेड ग्रह जिस भाव में स्थित होता है, जिन भावों का स्वामी होता है, उसका वो सेकेंडरी सिग्निफिकेटर होता है, जिसका कोई असर नहीं माना जाता। अब जिन ग्रहों के आगे स्टार का निशान है, ये अनटेनेंटेड ग्रह हैं, यानी कि ये ग्रह किसी भी ग्रह के नक्षत्र स्वामी नहीं बने। चंद्रमा के आगे स्टार का निशान है, चंद्रमा को देखें, किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, ये स्टार लॉर्ड लिखा है, और आप देख सकते हैं यहाँ चंद्रमा नहीं है। उसके बाद बुध को लें, बुध किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। शुक्र को लें, किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। शनि को लें, किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। तो ये अनटेनेंटेड हैं। उसके बाद सूर्य को देखें, सूर्य के आगे हैश का निशान है, यानी कि अपने ही नक्षत्र में स्थित होना। तो अपने ही नक्षत्र में स्थित हो, उसके आगे हैश का निशान, और ये रीइन्फोर्समेंट, रीइन्फोर्समेंट वाला ग्रह कहलाता है। और सूर्य जो है ये जिस भाव में स्थित है उसका मजबूती से फल देगा। जिन भावों का स्वामी है और यदि वे भाव खाली हुए तो उनका भी मजबूती से फल देगा, और यदि उनमें कोई अन्य ग्रह स्थित हुए तो उनका कमजोर फल देगा, उनको नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार से अनटेनेंटेड ग्रहों के लिए वो जिन भावों में स्थित हैं मजबूती से फल देंगे, और जिन भावों के वो स्वामी हैं यदि वे भाव खाली हुए तो उसका मजबूती से फल देंगे, और यदि उनमें कोई ग्रह स्थित हुए तो कमजोर फल देंगे। तो यहां तक तो एक स्थिति मैंने आपको बताई। अब इसी के साथ मैं एक और टेबल खोल रहा हूं,
जिससे समझने में भी कुछ और आसानी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये विषोत्तरी दशा का क्रम है। फोर स्टेप थ्योरी में केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, यहां भी विषोत्तरी दशा का क्रम है। अब यहां पर जैसा कि केपी स्टारवन सॉफ्टवेयर में फोर स्टेप सिग्निफिकेटर्स जो दिए हैं, इनकी यदि ऑप्शंस पर क्लिक करें तो यहां पर आप देख सकते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो इनको यदि मैं सेट डिफॉल्ट्स पे करूं तो यहां पर ये 3.33 इस प्रकार से ये जो है मतलब सेटअप है। तो यहां पर जैसा कि 3°20' ऑर्बिट श्री सुनील गोंदेलकर जी द्वारा 3°20' ऑर्बिट जो है वो ग्रह की भाव के साथ, तो यहां पर कस्प ऑर्बिट 3.20 हम ले सकते हैं, धीमी गति के ग्रहों के साथ 3.20, तो शनि, राहु, केतु 3.20 हम ले रहे हैं, गुरु भी धीमी गति का ग्रह 3.20। अब उसके अलावा उन्होंने जैसा कि बोला कि तेज गति के ग्रहों के साथ 4 से 5 डिग्री तक ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सूर्य, चंद्र के साथ 8 से 9 डिग्री तक भी ले सकते हैं। तो यहां पर मैं 5 डिग्री सूर्य व चंद्र के लिए ले रहा हूं, जरूरत पड़ने पर इसको हम बढ़ा सकते हैं, और वो जरूरत क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो मंगल, बुध, शुक्र के लिए 4 डिग्री जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पर ये कुछ इन्होंने दिया है कि जैसे एज पर रूल 5 हाउसेस सिग्निफाइड बाय प्लैनेट्स विद इन अबव कस्पल ऑर्बिट, तो ये जो हमने लिया, इंक्लूड सिग्निफिकेटर्स एज पर रूल 6 एस्पेक्ट कंजंक्शन विद इन अबव ऑर्बिट्स, जो हमने ये ग्रहों का सिलेक्ट किया है, और इंक्लूड राहु केतु 7th एस्पेक्ट रिकमेंडेड बाय श्री गोंदेलकर जी। तो राहु केतु की 7वीं दृष्टि जैसा कि उन्होंने, तो वो भी यहां पे टिक मार्क है, इसका मतलब ये इंक्लूड है। इसके अलावा उन्होंने ये बोला था कि राहु केतु की 5वीं और 9वीं एस्पेक्ट जो है ये रिसर्च के लिए है, तो इसको ये रिसर्च पे हम देख सकते हैं। तो अब ये जैसे हमने ये डिग्री सिलेक्ट की है, इसको हम सेव कर लेते हैं, तो अब उसी डिग्री के अनुसार ये हमारा टेबल जो है बनाए। अब एक और बात, आप हर ग्रह का यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्शंस पर दोबारा क्लिक करें, यहां पर वर्बोस मोड पे जाएं और इसको सेव करें, तो आपको हर ग्रह की जो प्रॉपर डिटेल है, किस प्रकार से कौन से ग्रह का क्या सिग्निफिकेटर किस प्रकार से बना है, वो यहां पता चलेगा। यदि आप इसको हाइड एक्सप्लेनेशन में करते हैं और सेव करते हैं तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आइए जरा अब हम ये ग्रहों के कार्येश जो हैं किस प्रकार से बने हैं। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि फोर स्टेप जो है, तो जैसे सबसे पहले पहले स्टेप पर ग्रह लेवल जो है, यानी कि ग्रह लेवल मतलब ये प्लैनेट लेवल, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, तो ये प्लैनेट लेवल है, केतु, ये शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। तो प्लैनेट लेवल के ऊपर हम जैसे कि 3 स्टेप में लेते हैं कि वो हर ग्रह किस भाव में स्थित है, किन भावों का स्वामी है, इस प्रकार से। तो यहां पर प्लैनेट लेवल पर 4 स्टेप थ्योरी में सबसे पहले तो यदि ग्रह टेनेंटेड है, यानी कि वो
अन्य किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है तो वो टेनेंटेड है। तो टेनेंटेड ग्रह जिस भाव में स्थित है, जिन भावों का स्वामी है, उनका वो कमजोर फल ही देगा ऐसा माना जाता है, और वो जिस भाव में स्थित है, जिन भावों का स्वामी है, फिर उन भावों को नहीं लिया जाता। लेकिन यहां पर टेनेंटेड ग्रह यदि जिस भाव में स्थित है, या तो उस भाव के साथ, या फिर उससे पिछले भाव के साथ, या अगले भाव के साथ यदि युति कर रहा होगा तो उसको लिया जाएगा। तो सबसे पहले प्लैनेट लेवल पर यदि आप देखें कि प्लैनेट लेवल पर केतु जो है ये यहां पर नक्षत्र स्वामी बना है तो ये टेनेंटेड है, इसलिए केतु के आगे किसी भी भाव को नहीं लिखा। अब शुक्र जो है ये अनटेनेंटेड है और उसके आगे भाव लिखा है। सूर्य रिइंफोर्समेंट है, उसके आगे भी लिखा है। चंद्र अनटेनेंटेड है, उसके आगे भी लिखे हैं। मंगल जो है ये टेनेंटेड है लेकिन मंगल के आगे भी भाव लिखा है। तो मंगल के आगे क्यों भाव लिखा है इसको भी हम देखते हैं कि मंगल जो है यदि हम देखें यहां पहले भाव में स्थित है, 2, 9, 10 का स्वामी है तो दूसरा भाव क्यों लिखा है। मंगल मेष राशि में 3 डिग्री 59 कला पर, और जो दूसरा भाव है मेष राशि 4 डिग्री 38 कला, तो इसका मतलब यह है कि मंगल पहले भाव में स्थित है लेकिन दूसरे भाव के साथ उसकी युति हो रही है, तो इसलिए मंगल के आगे दूसरा भाव लिखा है। अब उसके बाद राहु को देखें, टेनेंटेड है, कोई भाव नहीं लिखा है। जुपिटर है, टेनेंटेड है, कोई भाव नहीं लिखा है, ना किसी भाव के साथ युति वगैरह है। शनि है, ये अनटेनेंटेड है, उसके आगे भाव लिखा है। बुध है, ये अनटेनेंटेड है, इनके आगे भाव लिखे हैं। जो ग्रह अनटेनेंटेड है उनके आगे ये स्टार का निशान है। अब जैसा कि सबसे पहले ग्रह लेवल के ऊपर टेनेंटेड हो, जिस भाव में स्थित होता है, जिन भावों का स्वामी होता है, उनको कमजोर मानकर उनको नहीं लिया जाता। यदि टेनेंटेड ग्रह जिस भाव में स्थित है उसके साथ, या उससे अगले भाव के साथ या पीछे के साथ यदि युति बनाता है तो उसको लिया जाता है बस। उसके बाद इसी लेवल पर यदि ग्रह अनटेनेंटेड है, वो जिस भाव में स्थित है वो भाव तो लिया जाएगा ही जाएगा। जैसे शुक्र को देखें, ये अनटेनेंटेड है, इसके आगे स्टार का निशान है। शुक्र चौथे भाव में स्थित है, वो लिया जाएगा। अब शुक्र जिन भावों का स्वामी है यदि उनमें अन्य ग्रह स्थित हैं तो उनको नहीं लिया जाएगा, यदि वे भाव खाली हैं फिर उनको लिया जाएगा। तो शुक्र चौथे में स्थित है, चौथा तो लिया ही गया, तो स्वामी है तीसरे चौथे और आठवें का। तो 4 को तो हम यहां ले चुके हैं, 3 और 8 में यदि कोई ग्रह स्थित हैं तो फिर उनको नहीं लिया जाएगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने यहां पर भाव चलित चार्ट भी खोल लिया है, तो शुक्र चौथे भाव में स्थित अनटेनेंटेड, चौथा भाव लिया गया, 3, 4, 8 का स्वामी, 4 को तो हमने लिया ही था, 3 और 8 में यदि 3 और 8 भाव खाली होंगे तो उनको भी लिया जाएगा, और यदि उनमें ग्रह स्थित हुए तो नहीं लिया जाएगा। तो 3 और 8 में देखें, तीसरे भाव में बुध और सूर्य हैं, आठवें भाव में गुरु राहु हैं, तो यानी कि शुक्र इन भावों का फल मजबूती से नहीं दे पाएगा, इसलिए उनको नहीं लिया गया, इसलिए यहां पर शुक्र के आगे सिर्फ भाव 4 लिया गया। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन जो होती है ग्रह की, वो होती है रिइंफोर्समेंट, यानी कि अपने ही नक्षत्र में स्थित होना। तो जो ग्रह अपने ही नक्षत्र में स्थित हो वो रिइंफोर्समेंट होता है, जिस भाव में स्थित होता है उसको लिया ही जाता है। जिन भावों का स्वामी हो यदि उनमें अन्य ग्रह स्थित हों तो नहीं लिया जाएगा, यदि खाली होंगे तो लिया जाएगा। अब सूर्य को देखें, यहाँ पर वो तीसरे भाव में स्थित है तो यहाँ पर तीसरा भाव लिया गया, लेकिन यहाँ पर तीसरा भाव दोबारा से लिखा गया है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि सूर्य के तीसरे भाव के साथ
युति हो रही हो, तो इसको भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। सूर्य वृषभ राशि में 5 डिग्री 53 पर, तीसरा भाव वृषभ राशि 4 डिग्री 37, तो 4 डिग्री और सूर्य 5 डिग्री, 1 डिग्री का फर्क, तो ये एक तरह से युति है। अब मैं दोबारा से ये टेबल ओपन करता हूँ। तो अब जैसा कि सूर्य तीसरे में स्थित, तीसरे भाव के साथ युति, तो वहां पर लिखा गया। अब सूर्य सातवें का स्वामी है, लेकिन यहां पर सातवें भाव में चंद्र है, तो सूर्य उसका कमजोर फल देगा, इसलिए सातवां भाव नहीं लिया गया। अब आगे चंद्रमा की तरफ आते हैं, ये भी अनटेनेंटेड है, आगे स्टार का निशान है। तो चंद्रमा जिस भाव में स्थित है वो तो हम लेंगे ही लेंगे। अब छठे भाव का स्वामी है, तो छठा भाव यदि खाली होगा तो लेंगे, उसमें कोई ग्रह स्थित होगा तो नहीं लेंगे। छठे भाव में देखिए भाव चलित कुंडली में खाली है, तो इसलिए उसको हम लेंगे, तो चंद्रमा 7 और 6 इस प्रकार से। उसके बाद मंगल को देखें, मंगल पहले में स्थित है, 2, 9, 10 का स्वामी है, तो मंगल तो टेनेंटेड है। टेनेंटेड होने से वो जिस भाव में स्थित है, जिन भावों का स्वामी है, उसको नहीं लिया जाएगा। परंतु मंगल की दूसरे भाव के साथ युति है। मंगल की यदि आप देखें, मंगल मेष राशि में 3 डिग्री 59 पर, दूसरा भाव मेष राशि 4 डिग्री 38 पर, तो ये युति हुई, इसलिए वहां पर लिया गया। अब उसके बाद राहु पर आ जाएं, राहु टेनेंटेड है, इसलिए कोई भाव नहीं लिया जाएगा। राहु की किसी भाव के साथ युति भी नहीं है। उसके बाद गुरु पर आ जाएं, गुरु भी टेनेंटेड है, कोई भाव नहीं लिया गया, गुरु की किसी भाव के साथ युति नहीं है। उसके बाद शनि पर आ जाएं, शनि अनटेनेंटेड है, 12वें भाव में स्थित है, 1 और 12 का स्वामी है, 12वां भाव लिया गया, पहले भाव में ग्रह स्थित है, नहीं लिया गया शनि, इसलिए। अब बुध को देखें, तीसरे भाव में स्थित है, 5वें का स्वामी है, बुध अनटेनेंटेड है, तीसरा भाव लिया गया, 5वें में स्थित है, 5वां भाव खाली है, इसलिए उसको भी लिया गया। साथ में चौथा भाव लिया गया। अब चौथा भाव क्यों लिया गया? क्योंकि चौथे भाव के साथ बुध की युति होगी। तो बुध यहां पर वृषभ राशि 26 डिग्री 9 कला, चौथा भाव वृषभ राशि 29 डिग्री 13 कला। तो यहां पर 26 डिग्री 9 में 3 डिग्री 20 ऑर्बिट जमा कर लें, तो वहां पर 29 डिग्री तक वो पहुंचता है, दायरे में आता है, इसलिए उसको लिया गया। तो ये ग्रह लेवल पर, जैसा कि केतु से लेकर बुध तक आपको बताया गया। अब बात आती है नक्षत्र लेवल की। नक्षत्र लेवल पर हर ग्रह जिस भाव में स्थित है उसका तो मजबूत फल देगा ही देगा। जिन भावों का स्वामी है, यदि वे भाव खाली हुए तो मजबूत फल देगा, यदि उनमें ग्रह स्थित हुए तो कमजोर देगा, उनको नहीं लिया जाएगा। केतु का नक्षत्र सूर्य, शुक्र का मंगल, सूर्य का सूर्य, चंद्र का सूर्य, मंगल का केतु, राहु का गुरु, गुरु का राहु, शनि का राहु, बुध का मंगल। तो केतु का नक्षत्र स्वामी सूर्य तीसरे में स्थित है, और जैसा कि सातवें का स्वामी था, तो सातवें में ग्रह स्थित था, उसको नहीं लिया गया। सूर्य तीसरे में स्थित, तीसरे के साथ ही युति। उसके बाद नक्षत्र लेवल, यहां शुक्र के नक्षत्र मंगल को देखें, तो मंगल जैसा कि पहले भाव में स्थित है, 2, 9, 10 का स्वामी है, तो यहां पर 9, 10, 2 क्यों लिया गया? अब ये 9, 10, 2 क्यों लिया गया, इसको हम यदि देखें, तो यहां हमें मंगल मंगल जो है नक्षत्र लेवल पर जिस भाव में स्थित है, पहले भाव में, उसका मजबूती से फल देगा। 9वें 10वें, अब 9वें भाव में उसकी वृश्चिक राशि है, तो 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, दोनों भाव खाली हैं, तो उनका भी मजबूती से फल देगा, क्योंकि नक्षत्र लेवल पर देख रहे हैं। नक्षत्र लेवल पर टेनेंटेड अनटेनेंटेड का कोई रोल नहीं। यहां पर
नक्षत्र लेवल में जिस भाव में स्थित होगा ग्रह उसको तो लिया ही जाएगा, जिन भावों का स्वामी होगा यदि वे भाव खाली होंगे तो उनको लिया ही जाएगा, यदि वे भाव में कोई ग्रह स्थित होगा तो नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ 9-10 भाव ये खाली हैं, इनको लिया गया। अब मंगल की दूसरे भाव के साथ युति तो उसको लिया गया। अब सूर्य के नक्षत्र स्वामी सूर्य स्वयं है तो 3 भाव में स्थित है, तीन की तीसरे के साथ ही उसकी भाव युति है तो लिया गया। चंद्र का नक्षत्र स्वामी जो है सूर्य है तो उसी प्रकार से 3 और 3 लिया गया, जबकि सूर्य 7 का स्वामी था लेकिन 7 में भाव में ग्रह स्थित था इसलिए नहीं लिया गया। अब मंगल का नक्षत्र स्वामी केतु, अब यहां पर केतु 2 और 4 दिखा रहा है। केतु जो है दूसरे भाव में स्थित है तो जिस भाव में स्थित है वो तो लिया ही जाएगा। अब केतु किस राशि में है वो हमेशा हम लग्न कुंडली से देखते हैं। केतु जो है वृषभ राशि में है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र चौथे में स्थित है, 3-4-8 का स्वामी है तो जैसा कि चौथे में स्थित है और 3 और 8 में तो ग्रह स्थित है इसलिए यहां पर केतु के आगे 2 और 4 लिया गया, यानी कि यह चौथा भाव उसके राशि स्वामी के कारण आया है। राहु का नक्षत्र गुरु 8वें भाव में स्थित है, लेंगे ही लेंगे, और 11वें भाव का स्वामी है तो 11वें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है। यहां पर यूरेनस और नेपच्यून है, इनको हम कंसीडर नहीं करते इनकी स्थिति को यहां पर, तो इसलिए 11वें भाव को यहां पर लिया गया है। अब गुरु का नक्षत्र स्वामी राहु, राहु जो है 8वें में स्थित है। राहु किस ग्रह की राशि में है? मंगल की राशि में है, और जो मंगल है पहले में स्थित है, 2, 9, 10 का स्वामी है इसलिए पहला लिया गया। 9, 10 में कोई ग्रह स्थित नहीं है उनको लिया गया। दूसरे भाव के साथ मंगल की युति थी उसको लिया गया। इस प्रकार राहु का 8वां भाव उसके स्वयं के द्वारा और बाकी के भाव उसके राशि स्वामी के द्वारा आए। अब यहां पर जो एक पॉइंट मैंने बोला कि केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में यहां पर नहीं दिया गया, और अभी पीछे मैंने जैसे कि मंगल का नक्षत्र स्वामी केतु था वहां पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं ये बता दूं कि नक्षत्र लेवल पर या उप नक्षत्र के नक्षत्र लेवल पर जब भी राहु केतु आ जाएं, जैसे यहां मंगल के नक्षत्र के रूप में केतु आ गया है और यहां पर गुरु के नक्षत्र के रूप में राहु आ गया है, तो इनके आगे नक्षत्र स्वामी को भी लिया जाएगा, वो कॉलम ऐड करना पड़ेगा। जैसे राहु का नक्षत्र स्वामी कौन है? गुरु है, तो गुरु जिस प्रकार से यहां पर है सेम इट इज यहां राहु के आगे लिया लिखा जाएगा ये थर्ड स्टेप से पहले। और जैसे कि यहां पर मंगल का नक्षत्र स्वामी केतु है तो केतु का नक्षत्र कौन है? सूर्य, तो सूर्य का जो तीसरे भाव में स्थित और तीसरे भाव के साथ युति वो केतु के बाद यहां लिखा जाएगा तीसरे स्टेप से पहले। तो ये 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट जहां नक्षत्र स्वामी के रूप में राहु केतु आ जाए या उप नक्षत्र के नक्षत्र के रूप में राहु केतु आ जाए तब ये ध्यान देने की जरूरत होती है। तो अब आगे हम गुरु के नक्षत्र राहु को देखा, राहु का आगे हमने उसका नक्षत्र स्वामी जो है गुरु को भी दोबारा से लिखा। अब आगे शनि के नक्षत्र को देखे, राहु है तो सेम एज इट इज रिपीट होगा। अब उसके बाद बुध का नक्षत्र स्वामी मंगल है, मंगल का मैं पहले बता चुका हूं पहले में स्थित है, 9-10 का स्वामी, उसमें कोई ग्रह स्थित नहीं है इसलिए लिया गया और दूसरे भाव के साथ उसकी युति है। अब बात आती है सभी ग्रहों के उप नक्षत्र के ऊपर, तो ये बता दूं आपको उप नक्षत्र जिस प्रकार से हम ग्रह लेवल लेते हैं सेम एज इट इज उप नक्षत्र लेवल लेते हैं, और जिस प्रकार से हम नक्षत्र लेवल लेते हैं सेम एज इट इज उप नक्षत्र के नक्षत्र लेवल को लेते हैं। तो जैसे कि यहां पर केतु का उप नक्षत्र राहु, राहु टेनेंटेड है इसलिए कोई भाव नहीं लिया गया। शुक्र का उप नक्षत्र चंद्र, चंद्र क्या था? अनटेनेंटेड, इसलिए 7 और 6 भाव लिया गया। देखिए
सूर्य का उपनक्षत्र बुध, बुध क्या था, अनटेनेंटेड, अनटेनेंटेड होकर वो 3, 5, 4 यानी कि तीसरे में स्थित, 4, 5 का स्वामी और 4, 5 का स्वामी, तो यहां पर पांचवें में कोई स्थित नहीं है, लेकिन चौथे के साथ उसकी युति बन रही है, इसलिए उसको लिया गया। चंद्र का उपनक्षत्र बुध, सेम एज इट इज, जो ऊपर 3, 5, 4 हमने देखा। मंगल का उपनक्षत्र चंद्र, चंद्र सातवें में स्थित है, छठे भाव में कोई, छठे का स्वामी है, उसमें कोई ग्रह स्थित नहीं है, इसलिए वो भी लिया गया। और चंद्रमा जो है वो अनटेनेंटेड है। राहु का उपनक्षत्र चंद्र, फिर से वही रिपीट हो गया। गुरु का उपनक्षत्र बुध, बुध अनटेनेंटेड, 3, 5, 4 हमने लिया था, पहले समझा था उसी प्रकार से। शनि का उपनक्षत्र सूर्य, सूर्य जो है रीइन्फोर्समेंट है, तीसरे में स्थित, तीसरे के साथ युति। आगे बुध, उसका उपनक्षत्र गुरु, गुरु टेनेंटेड है, इसलिए कोई भाव नहीं लिया गया। अब उसके बाद बात आती है हर ग्रह के उपनक्षत्र, उपनक्षत्र का आगे नक्षत्र। जैसे केतु का उपनक्षत्र राहु है, तो राहु का नक्षत्र कौन है, गुरु। शुक्र का उपनक्षत्र चंद्र है, तो चंद्र का नक्षत्र कौन है, सूर्य है। सूर्य का उपनक्षत्र बुध है, तो बुध का नक्षत्र कौन है, मंगल। चंद्र का उपनक्षत्र बुध है, तो उसका आगे नक्षत्र मंगल। मंगल का उपनक्षत्र चंद्र है, चंद्र का नक्षत्र सूर्य है। राहु का उपनक्षत्र चंद्र है, चंद्र का नक्षत्र सूर्य है। गुरु का उपनक्षत्र बुध है, बुध का नक्षत्र मंगल। गुरु का उपनक्षत्र बुध है, बुध का नक्षत्र मंगल। शनि का उपनक्षत्र सूर्य है, सूर्य का नक्षत्र सूर्य। बुध का उपनक्षत्र गुरु है, गुरु का नक्षत्र राहु। तो ये इस प्रकार से ये सब आए हैं। तो केतु के उपनक्षत्र का नक्षत्र गुरु, तो गुरु जो है जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं 8वें और 11वें भाव को दे रहा है, तो गुरु 8वें में स्थित है, 11वें का स्वामी है, 11वें में कोई ग्रह नहीं होगा, इसलिए लिया गया। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेम एज इट इज नक्षत्र की तरह ही यहां पर वो रूल हम लेते हैं। उसके बाद शुक्र के उपनक्षत्र का नक्षत्र सूर्य, तो वो 3-3 उसी प्रकार से, तीसरे में स्थित, तीसरे के साथ युति। सूर्य के उपनक्षत्र का नक्षत्र मंगल, उसी प्रकार से। चंद्र के उपनक्षत्र बुध का नक्षत्र मंगल, उसी प्रकार से। मंगल के उपनक्षत्र चंद्र का नक्षत्र सूर्य, उसी प्रकार से। राहु के उपनक्षत्र चंद्र का नक्षत्र सूर्य, उसी प्रकार से। जुपिटर के उपनक्षत्र बुध का नक्षत्र मंगल, उसी प्रकार से। शनि के उपनक्षत्र सूर्य का नक्षत्र स्वयं सूर्य, तीसरे में स्थित, तीसरे के साथ युति, उसी प्रकार से। बुध के उपनक्षत्र गुरु का नक्षत्र राहु, अब जैसा कि राहु का हमने लिया था, क्योंकि हम सेम नक्षत्र लेवल वाली कंडीशन ले रहे हैं, तो राहु 8वें में स्थित है, तो इसलिए लिया गया मंगल की राशि में। और मंगल के द्वारा एक मंगल पहले भाव में स्थित, 9-10 का स्वामी, और दूसरे भाव के साथ मंगल की युति, तो इस प्रकार से लिया गया। तो इस प्रकार से ये 4 स्टेप जो हैं लिए गए। अब आगे ध्यान दें, अब जैसा कि इसी सेटिंग्स में हम जब एक तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि सूर्य 3-3, तो यहाँ तीसरे में स्थित, तीसरे के साथ भाव युति, तो यहाँ ब्रैकेट में कसपल लिखा है। इसी प्रकार से जहाँ पर ये कसपल लिखा है उस प्रकार से। इसके अलावा जैसे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, अब जैसे यहाँ पर गुरु का नक्षत्र स्वामी राहु है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि, तो लग्न कुंडली के हिसाब से हम दृष्टि देखते हैं, तो मंगल की 8वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राहु के ऊपर है, इसलिए यहां पर राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि और मंगल दूसरे भाव के साथ भाव युति। तो इसी प्रकार से यहां भी मंगल की दृष्टि और इसी प्रकार से यहां भी। तो जिस प्रकार से दृष्टि युति है, भाव युति है, वो भी हम देख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर मैं इसको ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ,
तो यदि हम दृष्टि के रूप में 3.20 ऑर्बिट ही लेते हैं तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जो दृष्टि वगैरह है, अब यहाँ पर वो मंगल की दृष्टि हट गई क्योंकि हमने 3°20 ऑर्बिट को सिलेक्ट कर लिया। पहले मंगल की डिग्री बढ़ाई हुई थी क्योंकि मंगल के साथ कोई ग्रह स्थित, तो इसलिए ग्रह की ग्रह के साथ जो युति है, तेज गति के ग्रहों की ग्रहों के साथ युति, यानी कि जो तेज गति के ग्रह हैं उनके साथ जो ग्रह स्थित है, उनके साथ जो युति है, वो तेज गति के ग्रहों के साथ 4-5 डिग्री तक हम बढ़ाकर ले सकते हैं। धीमी गति के जो ग्रह हैं उनके साथ सिर्फ 3°20 ऑर्बिट। लेकिन जो दृष्टि है, चाहे ग्रह की ग्रह के साथ ऊपर पड़े या ग्रह की भाव के ऊपर पड़े, वो 3°20 ऑर्बिट ही ली जाएगी। और ग्रह की किसी भी भाव के साथ जो युति है वो भी 3°20 ऑर्बिट ही ली जाएगी, वो बढ़ाकर नहीं। सिर्फ बढ़ाकर तब ली जाती है जब ग्रह के साथ कोई ग्रह स्थित हो। तेज गति का ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये तेज गति के ग्रह हैं। इनके साथ कोई ग्रह स्थित हो तो वो 4-5 डिग्री तक बढ़ाकर हम ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। धीमी गति के ग्रह जैसे कि गुरु, शनि, राहु, केतु, तो ये धीमी गति के ग्रह हैं। इनके साथ कोई ग्रह स्थित हो तो 3°20 ऑर्बिट ही हम लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से ये 4 स्टेप जो है, जो ग्रहों के कार्येष भाव हैं, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 4 स्टेप थ्योरी के ऊपर आगे भी मैं वीडियो जो है पोस्ट करता रहूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।